भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शनिवार को भारत माता की प्रतिमा के साथ सेक्टर 9 हुडको सेक्टर से आजादी की गौरव यात्रा निकाली। आजादी की गौरव यात्रा ने शनिवार को टाउनशिप के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण कर 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। रविवार को ये गौरव यात्रा खुर्सीपार में प्रारंभ होगी। आजादी की गौरव यात्रा को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने जानकारी इस प्रकार से दी है। देखिए, भिलाई भारत का स्वरूप है और भिलाई में सभी धर्म समुदाय जाति समाज के लोग रहते हैं और सब में बहुत प्रेम है, आपसी एकता है। भारत की प्रभुता के लिए, अखंडता के लिए और देश की अस्मिता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं को संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 76 किलोमीटर की इस यात्रा में हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का, हर एक समाज का, हर एक जाति के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर जो भारत की भावना है, वही भिलाई की भावना है, एकता की, प्यार की, मोहब्बत की, एक दूसरे को सहयोग की, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस संदेश को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई की जो स्थापना हुई है वो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक फॉर्मेशन हुआ है जिसमें पूरे भारत के लोग आके यहाँ पर बड़े प्रेम से रहते हैं। छत्तीसगढ़ महातारी की कृपा है जिसके कारण ये एकता अखंडता बन पाई है, मिनी भारत का स्वरूप बन पाया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ महातारी है जो इतना प्यार करती है अपने बच्चों को कि सबको एक साथ अपने अंदर समा के रखती है। तो ये प्यार का संदेश देने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे PSUs हैं उसको बचाए रखने का भी संदेश इसमें है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हमारे कारखानों को बेचा जा रहा है, FSNL के कल लोग मेरे पास आए थे, वो अपना दुख बता रहे थे कि उनको बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब देश हित में नहीं है, भिलाई हित में नहीं है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारे युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं अधर पे लटकेगा। जो आज के समय भिलाई स्टील प्लांट को बड़ी उम्मीद से देखते हैं, वहाँ पर उनके शासकीय करण से जो एक PSU का माहौल है उसको, वो वातावरण भी, अरे बेटा सबके लिए अच्छा ही है और क्या है, सब लोग अच्छे रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं, बेटा मिल के रहो। तिरंगा वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली है। आज सुबह से ही पूरा भिलाई तिरंगे में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है आज़ादी के जश्न में, और जहाँ जहाँ भी जिस गली मोहल्ले स्ट्रीट से निकल रहे हैं वहाँ स्वस्फूर्ति बूढ़े बच्चे जवान छोटे छोटे बच्चे सारे लोग निकल कर आ रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं और ये हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी है और साथ ही साथ हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम मिनी इंडिया के लोग संकल्पित हैं। जी, हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की पहल से हम लोग की तिरंगा यात्रा सफल हो गया है आज, और विगत पिछले वर्ष भी हमने बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम किया था। इस बार भी पूरी भिलाई इसमें सम्मिलित हुआ है और हम लोग एकजुट होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, भिलाईवासी एक हैं। छिहत्तरवें वर्षगांठ के अवसर पर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज भिलाई में जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है वो एक संदेश है युवाओं को कि देश में जैसे भिलाई जो है मिनी भारत है, मिनी इंडिया कहा जाता है, सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, संप्रभुता प्रभुता को बचा के रखते हैं यहाँ पे, एक संदेश देने के लिए की यात्रा है। इसके लिए मैं देवेंद्र यादव को बधाई देता हूँ कि ऐसा यात्रा हर साल निकलना चाहिए। अवेयरनेस है, लोग भीड़ देख के लग रहा है आपको अवेयरनेस कितना हो रहा है, सब इंटरेस्ट, छोटे बच्चे, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग इस रैली में शामिल हो। झंडा केवल एक तीन रंगों का झंडा नहीं है साथियों, इसके पीछे हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता ने अपने प्राणों की बलिदानी दी, तब हमें ये तिरंगा प्राप्त हुआ। यूं ही तिरंगा प्राप्त आज हम नौजवान को ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे ऊर्जावान विधायक महोदय एक संदेश देना चाहता है कि ये हमारी आज़ादी ऐसी नहीं मिली, इसके पीछे हमारे कितनी मेहनत है, कितना रंग है, कितना पसीना है, कितने बुजुर्गों ने किए, ये तिरंगा को सलामत रखिए। जय हिंद, जय भारत।